हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग को अपने एक्सप्रेस जेएस मोंगो डीबी ट्यूटोरियल सीरीज में जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें आपको इंडेक्स डॉट जेएस फाइल कैसे बनाना है और उसके अंदर जो कुछ कोड है, बेसिक सा कोड है, वो आपको कैसे लिखना है। तो ये करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को देखना है विजुअल स्टूडियो कोड में, राइट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खाली जगह पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको न्यू फाइल दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फाइल का नाम रखना जो कि मेरे केस में index.js, फिर आपको एंटर दबाना है। अब इस index.js फाइल के अंदर हम लोग कुछ बेसिक सा कोड लिखेंगे। सबसे पहला जो कोड होगा वो हमारा इनिट कोड होगा, यानी कि इनिशियलाइजेशन वाला कोड होगा, बेसिक कोड। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो मॉड्यूल्स हम लोगों ने अभी इंस्टॉल किए उनसे कुछ को जो है यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करेंगे अपने इस फाइल के अंदर। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर जो ये वाला बॉक्स बन गया है इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। इस तरीके से दोबारा अगर इस पर क्लिक करेंगे तो बॉक्स दिखने लगेगा, मैंने ये कर दिया। यहाँ पर जाके हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि कॉन्स्टेंट टाइप का वेरिएबल होगा और इसका नाम हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेस रख दिया। इक्वल टू लगाना है, आपको रिक्वायर लिखना है, पैरेंथेसिस लगाइए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको एक्सप्रेस लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखिए आ गया, हिंट देता आपको जो कोड हिंट देता है वो आपको आ गया, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेमी कॉलन लगाना, एंटर दबाना। उसके बाद आपको यहाँ पे जो मॉर्गन वाला जो लाइब्रेरी हम लोगों ने मॉड्यूल इंस्टॉल किया था उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर कॉर्स वाला जो लाइब्रेरी था उसे हम लोग इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है ऐप करके एक वेरिएबल बनाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे जो एक्सप्रेस जिस वेरिएबल पे हम लोगों ने इंक्लूड किया उसको आपको लिखना है, पैरेंथेसिस लगाना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ मिडिलवेयर फंक्शन का जो है सेटअप करना होता है वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया मिडिलवेयर सेटअप, मैंने लिख दिया, एंटर दबाना है, ऐप लिखना है, डॉट लगाना है, यूज लिखना है और इसके अंदर जाके सबसे पहले हम लोग जो है मॉर्गन जो हम लोगों ने इंक्लूड किया उसका काम करेंगे। तो मॉर्गन लिखिए, पैरेंथेसिस लगाइए। इसके अंदर आपको ये बताना होता है जो आप लॉगिंग करना चाहते हैं, यानी कि जो आप लॉग जनरेट करना चाहते हैं उसका मोड कौन सा होना चाहिए। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको डेव लिखना है, डेव का मतलब डेवलपमेंट मोड में हम लोग चाहते हैं। इसके बारे में आप और जानकारी मॉर्गन npm js का जो मैंने आपको पेज दिखाया था अपने इस पहले वीडियोस में उस पर जाके आप और भी देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐप डॉट यूज लिखेंगे, कॉर्स का यूज करेंगे यानी कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग का, तो मैंने इसको भी यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट राउट्स बनाएंगे अपने एप्लीकेशन के लिए जो बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐप लिखा और डॉट लगाया और मैंने यहाँ पे ऑल लिख दिया। ऑल का मतलब ये है कि अगर इंडेक्स डॉट जेएस पेज पर किसी भी HTTP मेथड से रिक्वेस्ट आता है, चाहे वो गेट से हो, पोस्ट से हो या किसी और से हो, तो जो है ये वाला फंक्शन उसे हैंडल करेगा। तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, एंटर दबाया, फिर हम लोग यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन के पैरामीटर में आपको रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर आपको रिस्पांस वाला ऑब्जेक्ट बनाना है। इसके अंदर जाके हम लोग यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे, रिस्पांस वाले ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग यूजर को जो है एक जेसन फाइल भेजेंगे। तो जेसन फाइल के अंदर मैंने कुछ जो है कीज लिख दिया, इस तरीके से स्टेटस ट्रू है, एक मैसेज मैंने यूजर को भेज दिया, मैंने मैसेज लिख दिया कि। उसके बाद अगर आप और भी कुछ कीज वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। और अगर ऐसा जरूरी नहीं कि आपको जेसन फाइल ही भेजना है, अगर आप चाहे तो सिंपल सा ही मैसेज भेज दीजिए, जैसे कि बस यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिए, मैंने केवल वर्किंग लिख दिया, सेमी कॉलन लगा दिया, क्योंकि मैं पहले लिख चुका हूं तो मैं इस कोड को यहाँ पे नहीं लिखूंगा, तो मैंने इसको यहां से हटा दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने सर्वर को स्टार्ट करेंगे। तो यानी यहाँ पे लिखा स्टार्ट सर्वर। ये करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऐप डॉट लिसन लिखना होगा, पैरेंथेसिस लगाना है, सेमी कॉलन लगाना है, लिसन फंक्शन के अंदर जाकर आपको एंटर दबाना है। अब यहां पर हम लोग एक काम और करेंगे और वो ये है कि एनवायरमेंट फाइल के अंदर जो पोर्ट नंबर हम लोगों ने लिखा था, मतलब जिस पोर्ट पर हम लोग का सर्वर रन होने वाला है, उसको हम लोग इस वाले वैल्यू को हम लोग अपने इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में एक्सेस करेंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक ये काम करना है कि आप अपने जिस भी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर एनवायरमेंट फाइल में मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, उसके अंदर आपको जाना है, सबसे ऊपर आपको लिखना होगा रिक्वायर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको .env वाला जो मॉड्यूल है उसे आपको इंक्लूड करना होगा, .config आपको लिखना होगा, बस ये लिखना है। ये लिखने के बाद आप अब जो है एनवायरमेंट फाइल के अंदर मौजूद वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम मैंने यहाँ पे पोर्ट रख दिया, इक्वल टू लगाना है, फिर आपको लिखना है process.env डॉट लगाना है। उसके बाद एनवायरमेंट फाइल के अंदर मौजूद जिस वेरिएबल के मौजूद वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है, जो कि मेरे केस में है पोर्ट, फिर आपको सेमी कॉलन लगा देना है। ये मेरा काम हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर पोर्ट नंबर जो है इस पे स्टोर हो जाएगा, उसको हम लोग यहाँ पे लिसन वाले फंक्शन के
जो है पैरामीटर में डाल देंगे, कॉमा लगाएंगे, एंटर दबाएंगे। मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल पर जो एक्सप्रेस जेएस का वीडियो बनाया था उसमें मैंने लिसन वाले फंक्शन के अंदर सिर्फ पोर्ट नंबर ही दिया था, लेकिन अगर आप चाहें तो लिसन वाले फंक्शन के अंदर पोर्ट नंबर के साथ साथ एक फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड आप लिखते हैं वो आपके सर्वर के स्टार्ट होने के बाद एग्जीक्यूट हो जाता है, एक ही बार होता है वो। तो हम लोग ने यहाँ पे फंक्शन लिखा और हम लोग इसमें सिंपल सा एक मैसेज दिखाएंगे कंसोल पर। तो मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग लिखा, पैरेंथेसिस लगाया, यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, मैंने यहाँ पे लिखा पोर्ट वाले वेरिएबल पर जो भी वैल्यू मौजूद था वो मैंने लिख दिया, और ये जो हम लोग का काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपने जो है इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। रन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपको यहाँ पे नोड मॉन लिखना है। नोड मॉन कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज किया था, वो मैंने अपने इसी जो ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट है एक्सप्रेस जेएस मोंगो डीबी का जो ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट है उसी के अंदर एक वीडियो मैंने बताया, तो उसे आप देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे नोड मॉन लिख के एंटर दबाया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम लोग का सर्वर रन हो चुका है और आप देख सकते हैं ये वाला जो मैसेज आपके पास आया है वो आपके इस फंक्शन की वजह से आया है। अब हम लोग अपना जो है अपने कंप्यूटर पे एक वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने जो है यहाँ पे एड्रेस बार में जाके लिखेंगे HTTP, कॉलन लगाएंगे दो बार, फॉरवर्ड स्लैश, लोकल होस्ट लिखना है, कॉलन लगाइए, पोर्ट नंबर लिखिए, फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिए, एंटर दबाइए और ये देखिए आपका आ गया, ये देखिए आपका जेसन फाइल यहाँ पे आ चुका है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग जो है अपने इसी सेम चीज को पोस्टमैन करके जो सॉफ्टवेयर आता है उसके अंदर भी यूज करके देख लेते हैं। पोस्टमैन मेरे कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल है, सर्च पर जाना है आपको, लिखना है पोस्टमैन, लिखना है एंटर दबाना है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि पोस्टमैन वाला सॉफ्टवेयर ओपन होकर आ चुका है। हम लोग यहाँ पर इस चीज को कट कर देंगे, प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने इस वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू से ये सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन सा HTTP रिक्वेस्ट का यूज करके जो है रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं सर्वर पे। तो मैंने यहाँ पे गेट वाला लिया। फिर आपको यहाँ पे जो है URL लिखना होता है, तो मेरे केस में ये HTTP कॉलन दो बार फॉरवर्ड स्लैश, लोकल होस्ट कॉलन, पोर्ट नंबर है, फिर आपको फॉरवर्ड स्लैश है, तो ये मेरा URL है, मैंने ये लिख दिया। फिर हम लोग यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो सर्वर से जो भी आउटपुट आएगा वो आप यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जो है HTTP जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं रिक्वेस्ट भेजने के लिए उसे अगर हम लोग चेंज कर दे, जैसे कि मैंने पोस्ट कर दिया, फिर से मैं सेंड करूंगा तो वो देखिए वही सेम आपको आउटपुट दिखाई देगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखिए ऑल वाला जो है फंक्शन यूज किया था, इसीलिए आप कोई भी HTTP मेथड का यूज करके रिक्वेस्ट भेजिए आपको यही मिलेगा। तो ये जो हम लोग का index.js फाइल का काम हो गया और क्या क्या चीजें मैंने यहाँ पर किया वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपका इस वीडियो सुना कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे, और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।